पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के किंग कैप्टन बाबर आजम एक दफ़ा फिर नाइंसाफी का शिकार। आप बताएं ये नो बॉल है या नहीं, क्योंकि लाइन को तो टच हो रहा है पाओ, यानी वाइट लाइन को पाओ टच हो रहा है, पर क्या ये पाओ बिहाइंड द क्रीज है? क्योंकि बिहाइंड द क्रीज होना ज़रूरी है और यही होना चाहिए। अगर बिहाइंड द क्रीज आपका पाओ नहीं है तो आप इसको नो बॉल देंगे, यानी ये नो बॉल है। ये देख सकते हैं आप, साफ नज़र आ रहा है। क्या मरेस रेसमस को ये नज़र आ रहा है? क्या मरेस रेसमस इस चीज़ को देख रहे हैं? क्या मरेस रेस को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये नो बॉल देनी थी या नहीं देनी थी? क्या वो इंडिया के खिलाफ जब नो बॉल उन्होंने दे दी थी तो क्या अब पॉसिबल है कि वो अब दोबारा ना दें? यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या स्पिनर्स की नो बॉल्स नहीं होती, क्या स्पिनर्स की नो बॉल नहीं चेक करनी चाहिए? ये आप चीज़ बताएं मुझे और ये कमेंट्स के अंदर अपना अपनी राय आपने शेयर करनी है। क्या मरेस रेसमस पे पहले ही बाबर आजम को या पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट को इतराज़ नहीं उठाना चाहिए था कि ये अंपायर हमें नहीं चाहिए या ये अंपायर नहीं होना चाहिए? आप कैसे खेल सकते हैं उस अंपायर के साथ जो कि ये सब कुछ कर रहा हो? थैंक्स।